subscribe to our channel and press the bell icon for latest cricket and football news. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आईएसएल के कुछ अपडेट्स के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं गौरव मुखी के बारे में। दोस्तों, गौरव मुखी के ऊपर AIFF ने आरोप लगाया है कि गलत टेस्ट बताने के लिए। दोस्तों, गौरव मुखी का एज है 17 साल, पर AIFF ने कहा है कि गौरव मुखी का एज 17 साल नहीं है और उन्होंने अपना गलत एज बताया है। दोस्तों, जब तक इस बात की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक गौरव मुखी फुटबॉल नहीं खेलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम केहिल के बारे में। दोस्तों, टीम केहिल इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। हाँ दोस्तों, टीम केहिल अब इंटरनेशनल खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दोस्तों, टीम केहिल जमशेदपुर के लिए इस साल का ISL खेलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पुणे सिटी FC के बारे में। दोस्तों, पुणे सिटी FC के लिए अच्छी खबर आ रही है कि हume पुणे सिटी FC में आ चुके हैं। दोस्तों, हume अगला मैच खेलते हुए पुणे के लिए नजर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ATK की। दोस्तों, ATK में मिलानो अल्फारो आ चुके हैं कालू जी के रिप्लेसमेंट बन गए। दोस्तों, अल्फारो ATK के लिए अगला मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ISL के नेक्स्ट मैच के बारे में। दोस्तों, ISL का नेक्स्ट मैच आज है और ये मैच जमशेदपुर FC वर्सेस पुणे सिटी FC में है। तो दोस्तों, ये है चल जुड़ी कुछ खबर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।